जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम शेखर कुमार चौहान, मेरा यूट्यूब चैनल शेखर फायर फाइटर। मेरी वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं फायर सेफ्टी की वीडियो शेयर करता रहता हूं दोस्तों, लोगों को फायर सेफ्टी से अवेयर कराता रहता हूँ, जागरूक करता रहता हूँ, जिससे कि कोई बड़ी दुर्घटना ना हो या होने से हम उसको रोक सकें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाले कुछ समय में 2-4 दिन के बाद अभी दिवाली फेस्टिवल आने वाला है, दिवाली गोवर्धन भैया दोज, ये त्योहारों का महीना है। खासकर इन दिनों में कई बार बड़ी आगजनी दुर्घटना हो जाती है, जिसमें भारी मात्रा में जानमाल का नुकसान हो जाता है या हो सकता है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी मोमबत्ती या दीपक कहीं पर भी लगाते हैं तो ऐसी जगह पर लगाएं जहाँ पर किसी प्रकार का ईंधन ना हो, जिसमें आग लग सके। ऐसा कोई भी फ्यूल या ईंधन वहाँ पे उपस्थित ना हो जहाँ पे आप लगा रहे हैं। लगाने वाली जगह प्लास्टिक या लकड़ी की ना हो, जिससे वो ख़त्म होने पर वहाँ पे आग लग सकती है। दोस्तों, जो आप घर में सजावट का सामान इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी लड़ी या और कुछ सामान आप इस्तेमाल कर रहे हैं, झालर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको आप प्रॉपर लगाएं। शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग, लूज वायरिंग या टेम्परेरी कनेक्शन होने से भी कई बार आग लग जाती है और एक बड़ी दुर्घटना हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप शुभ दीपावली और सुरक्षित दीपावली मनाएं। और दोस्तों, कई बार आप कपड़े जो पहनते हैं, कपड़ों में भी आग लग जाती है। आप जब पूजन करते हैं तो लेडीज अपने साड़ी दुपट्टे को बचा के रखें, कई बार वहाँ पे भी उनमें लगने से भी आग लग जाती है। जब आप पूजा कर रहे हैं, आपका जो मंदिर है, आजकल बड़ी बड़ी सोसाइटियों में, फ्लैटों में, मंदिरों में आग लगने की दुर्घटना या सूचना फायर ब्रिगेड के पास आती रहती है, तो आप मंदिर में जहाँ पे भी दीपक जला रहे हैं तो वहाँ पे कोई भी प्लास्टिक या लकड़ी की वस्तु को ध्यान में रखते हुए जलाएं और उसको बार बार देखते रहें किसी प्रकार की आग या ऐसी घटना जिसमें भारी मात्रा में जानमाल का नुकसान हो सकता है वो ना हो। और अगर आप पटाखे छोड़ दें तो पटाखे आप ऐसी जगह पर छोड़ें जहाँ पर किसी को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, जैसे कि किसी के घर की तरफ ना छोड़ें, या जहाँ पर कोई भी ईंधन, लकड़ी, कागज़, कोयला, गत्ता या कुछ ऐसी लिक्विड फ्यूल या कोई गैसी फ्यूल रखा हुआ है या वहाँ पर उसकी फिटिंग हो रखी है, आप उधर को करके ना छोड़ें, जिससे एक बड़ी आगजनी दुर्घटना हो सकती है, भारी मात्रा में जानमाल का नुकसान हो सकता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप शुभ दीपावली और सुरक्षित दीपावली मनाएं। और मैं आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये मैं पहले इसलिए दे रहा हूं कि आप सुरक्षा को ध्यान में रखें और सुरक्षा के बारे में ही सबको बताएं, क्योंकि कई बार क्या होता है, भारी मात्रा में जानमाल का नुकसान हो जाता है, एक बड़ी दुर्घटना हो जाती है जिसमें काफ़ी लॉस हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैं आपके लिए शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, जिसमें आप शुभ दीपावली और सुरक्षित दीपावली, हैप्पी दीपावली और सेफ दीपावली मनाएं। और भी कुछ मेरे से पूछना चाहते हैं तो मेरे इनबॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।